हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक मनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसाइकल बिन के बारे में, जस्ट लाइक कंप्यूटर। तो अपने थंबनेल में पढ़ा ही कैसे हम डाटा को रिकवर कर सकते हैं, इवन मोबाइल में भी। कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, तो उसी चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप कि उसको कैसे कर रहा है अपने। तो दोस्तों, वीडियो देखते रहिए, स्किप ना करिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए रोज़ बनाता रहूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पे सिंपली टाइप करना है डम्पस्टर, डम्पस्टर फाइल करके है ये आ गया डम्पस्टर। इसको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिंपली इसको ओपन करना है। ये जैसे अपना इंस्टॉल हो गया, अब इसको सिंपली ओपन। अब देखिए, ये डम्पस्टर फाइल जो है ओपन हो गया। इसको हम अलाउ कर देंगे और ये अपना ओके। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना इंस्टॉल। अब मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। कोई भी चीज़ मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जैसे मैं मान लो कुछ भी यहाँ से अगर मैं डिलीट करूँ, जैसे कोई वीडियोस है, अगर मैं देखिए ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ, ये वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। अब इस वीडियो को डिलीट कर दिया, अब इसको मैंने मुझे मान लो रिकवर करना है, कभी ज़रूरत पड़ गया इस वीडियो का। तो चलिए, मैं देखिए यहाँ पे अब हम आएंगे और उस डिलीटेड वीडियो यहाँ पे अपने को दिख जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वो वीडियो यहाँ पे ऊपर में शो कर रहा है। इसको अगर हम चाहें तो हम रिकवर भी कर सकते हैं, और इसको अगर परमानेंटली अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन है, वहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं, जैसे अगर इमेज है तो इमेज का, वीडियोज़ का, ऑडियो का, डॉक्यूमेंट्स का, अदर फाइल का, ऐसा भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।